हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और देखिए गुड़हल पे कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं अब देखिए। और आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत इन्हीं सुंदर से गुड़हल के फ्लावर के साथ कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से मैंने समर गार्डन की तैयारी अब शुरू कर दी है, धीरे धीरे कौन से काम किए हैं मैं। हम जैसे लोग जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए गार्डन का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। और हमारे वहाँ मौसम भी चेंज होते रहते हैं, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात। और उसी मौसम के हिसाब से हमें पौधे भी मिलते हैं। सर्दियों के कुछ अलग पौधे होते हैं, गर्मियों के कुछ अलग पौधे होते हैं। तो इस समय हमारे गार्डन से लगभग सर्दियों के सभी पौधे जा चुके हैं, बहुत कम ही पौधे रह गए हैं। और हमको अपने गार्डन में अब कुछ समर वाले पौधे ऐड करने हैं, जिससे हमारे गार्डन में ग्रीनरी बनी रहे और फूलों की कमी महसूस ना हो। तो इसलिए हमको अब नया सेटअप बनाना होगा समर गार्डन के हिसाब से, समर सीज़न के हिसाब से। तो उसी तैयारी में मैं लगी हूँ और धीरे धीरे अपने गार्डन का काम ख़त्म कर रही हूँ। कोलियस को मैंने कटिंग से बहुत पौधे तैयार कर लिए हैं, जो मेरे पास पिछले साल के थे उन्हीं से मैंने कटिंग तैयार की है। कि कोई कोना अगर हमको कलरफुल बनाना है, थोड़ा सा कुछ डेकोर करना है गार्डन को, तो उसके लिए मैंने कोलियस की ढेर सारी कटिंग तैयार कर ली है। और ये कटिंग देखिए चल भी गई हैं। और यहाँ पे देखिए ये सब पिछले साल के लगे हुए हैं, तो इनकी कटाई छटाई करके इस तरह से कर दिया, तो इसमें देखिए नई ग्रोथ आ रही है। तो अभी मैंने सेटअप नहीं किया अपने गार्डन का, सिर्फ अभी मैं उन पौधों को तैयार कर रही हूँ जिनको अरेंज करूँगी मैं अपने समर गार्डन में, जिनको रखूँगी, जिनसे मैं नया सेटअप तैयार करूँगी। तो यहाँ पे भी देखिए इस तरह के स्वीट पोटैटो वाइन है, इन सब की कटिंग मैंने तैयार की है। और यहाँ देखिए ये भी है, ये ग्रीन वाली वैरायटी है, ये पर्पल वाली। तो इस तरह से मैंने इन सबको भी लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए पर्सलेन पोर्चुला का कि को भी लाके रिपोर्ट कर लिया है। और ये सब पिछले साल के विनका हैं जिन पे अब फ्लावर आ रहे हैं। और जो इधर उधर विनका उग आए थे उनको भी देखिए इस तरह से मैंने पॉट दे दिया है, अब इनकी भी अच्छी खासी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला ऐसा काम जिससे हम अपने गार्डन में जगह बना सकें, या जो हमारे विंटर सीजन के प्लांट अब धीरे धीरे जा रहे हैं उनको हम हटाएं अपने गार्डन से, उनको कोई अलग सी जगह दें। तो इस तरह से देखिए जो मेरे पास डहलिया हैं, हाइब्रिड वैरायटी वाले डहलिया हैं, उनको मैं इस तरह से अलग करके किसी ऐसी जगह पर रख दूँगी जहाँ ये पौधे बचे रहें, मतलब एक दो घंटे की इनको धूप मिले। और पानी वगैरह भी मैं इसमें कम दूँगी जिससे इनके बल्ब ख़राब ना हो। तो अभी ऊपर से ये सारे पौधे मैं कट कर दूँगी और इसमें बल्ब पड़े रहेंगे। जब बहुत मिट्टी सूख जाएगी तो कभी कभार मैं इसमें पानी दे दूँगी। और कहाँ रखेंगे उसको देखिए इस तरह से, देखिए जो स्टैंड है यहाँ, स्टैंड के नीचे जगह है, इसी के नीचे मैं इन सभी प्लांट को रखने जा रही हूँ, डहलिया और क्रिसैंथेमम। इन सभी प्लांट को कटाई छटाई करके मैं नीचे यहाँ देखिए यहाँ भी मैंने इस तरह का देखिए पर्सलेन लगा रखा है। और ये वडेलिया भी लगा दिया है मैंने। पौधों की रिपोर्टिंग की है जो छोटे छोटे, ये सब कटिंग से तैयार हुए पौधे थे, तो इनकी ग्रोथ इस समय हो रही थी और पॉट इनके छोटे थे, तो मैंने इनको देखिए थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट किया है इस तरह से। और ये सब गर्मियों में और बरसात तक अच्छी ग्रोथ होती है इनकी। और ये सब कटिंग से लगे हुए पौधे हैं गुड़हल, तो इन सबको मैंने रिपोर्ट कर दिया है। और एक ये देखिए 4 o'clock का पौधा, तो ये भी अब एक बार हम इसको गार्डन में लगाते हैं तो इसके बीज इधर उधर गिर के अपने आप ही उगाते हैं, तो ये अपने आप ही उगा हुआ पौधा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी, तो इसको भी मैंने रख लिया। और यहाँ देखिए अभी मैंने सीड्स डाले थे तो उनको भी मैंने इस तरह से पॉलीथीन से कवर कर दिया है, डाल के पूरा पॉलीथीन से कवर कर दिया है। और शायद ये कुछ पौधे इसमें आ गए हैं, मुझे याद नहीं है किस चीज़ का पौधा। ये देखिए रिज़ल्ट, देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ है, ये देखिए। और यहाँ देखिए गजानिया के जितने भी पॉट थे मेरे पास उनको यहाँ मैंने स्टैंड पे रखा था, तो यहाँ हटा के मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। और सब में थोड़े थोड़े 2-4 DAP के दाने डाल दिए हैं जिससे इनमें फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए।
और यहाँ पे डेंथस, इसमें भी वही काम किया है, गुड़ाई करके डीएपी डाल दिया है। देखते हैं कितने दिन ये चलते हैं। डेंथस को अगर हम बचाएं तो ये तो चल जाते हैं, बाकी गजानिया और ये पिटूनिया ये सब चलते नहीं हैं पौधे, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है हम लोगों के वहाँ। स्टैंड है, इसे मुझे अब कवर करना है इन्हीं इंडोर प्लांट से। धूप तो लगेगी फिर भी, अब जैसे ये मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है, ये ग्रीन दिख रहा है, और बीच बीच में इस तरह से मैंने पर्पल हार्ट लगा दिया है, तो अच्छा कलर ऐड हो जाएगा यहाँ पे कॉर्नर पे। और ये वाला एरिया जो खाली किया है मैंने, यहाँ से सभी विंटर प्लांट यहीं पे गजानिया रखे थे, तो यहाँ से मैं हटा के इन सबको, और जो मैं कोलियस तैयार कर रही हूँ उसको रखूँगी, या फिर थोड़े से और पर्सलिन और पर्चुला का कटिंग से तैयार करने जा रही हूँ उसको रख दूँगी। तो एक ये स्टैंड या तो विनका लगेगा या पर्सलिन और पर्चुला का लगेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने बोरी में लगाई थी ये मॉर्निंग ग्लोरी, और कितनी अच्छी ये चल रही है बेल इसकी। और इस तरह से मैं इसको इस हट पे कर दूँगी, ये हट को कवर कर लेगा। और ये शतावरी का एक पौधा है, इसको भी मैंने हट पे इस तरह से कर दिया है तो हट को कवर कर लेगा, तो ये पूरा जब ग्रीन ग्रीन दिखेगा गर्मियों में तो काफ़ी सुंदर दिखेगा। और यहाँ पे देखिए एलोमांडा, इसमें भी ये फ्लावरिंग और कलियाँ बन रही हैं, तो ये भी हट को कवर कर लेगा। और एक पौधा और कटिंग से तैयार हुआ था एलोमांडा का, उसको भी देखिए मैंने रिपोर्ट कर दिया है बड़े गमले में, इसको भी कहीं रख दूँगी किसी कॉर्नर में। देखिए पर्सलिन की कटिंग मैंने लगा दी है और ये ग्रो हो जाएंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे गजानिया और गॉम्फ्रेना ये सब धीरे धीरे गर्मी में जो हमको फूल लगाने होते हैं, पौधे लगाने होते हैं, उसकी तैयारी अब शुरू कर दिया है मैंने। और ये फ्लावर बेड भी हमारा भर जाएगा विनका और पर्सलिन से, तो इसी तरीके से धीरे धीरे मैं अब समर गार्डन की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये इतने छोटे गमले हैं, मुझे लगता है ये 5 इंच, हाँ 5 इंच के लगभग ही होंगे, तो गर्मियों में ये पौधे इसमें सूख जाएंगे, तो मुझे इनका हैंगिंग पॉट तैयार करना है, हैंगिंग प्लांटर में इनको मैं लगाने जा रही हूँ। तो इस तरह से हमको अपना इंडोर गार्डन भी तैयार करना होता है समर में, उनकी भी देख रेख करनी होती है, तो उसकी भी तैयारी मैं दोनों अपने टेरेस गार्डन और बालकनी गार्डन दोनों की तैयारी धीरे धीरे मैं साथ में कर रही हूँ, और उसकी वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। और ये कॉर्नर देखिए, यहाँ पे ये पूरी दीवार खाली दिख रही थी, तो यहाँ पे इस तरह के दो पॉट मैंने फिक्स कर दिए हैं दीवार में, और इसमें मैंने टर्टल वाइन लगा दिया है, तो ये जब ग्रो करेगा तो पूरा ये दीवार कवर कर लेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपने समर गार्डन की तैयारी कर रही हूँ मैं। और अडेनियम में देखिए कितनी अच्छी कलियाँ आ गई हैं अब, और ये देखिए टिकोमा ऑरेंज वाला, कितने सुंदर इसमें फ्लावर आए हैं। इसकी रूट प्रूनिंग भी मैंने की थी और खाद भी दिया था, और देखिए सब पे कलियाँ बनी हुई हैं और कितने सुंदर से फ्लावर आ रहे हैं इसके। ये जो टायर प्लांटर मैंने तैयार किया था, इसमें अभी कॉस्मोस बचा है और बाकी मैंने उसको हटा दिया है, डहलिया देसी वाली। और एक ये देखिए गिलाडिया का पौधा, गमला मैंने खाली किया था मिट्टी का तो ऐसे ही रख दिया है, ये देखिए ये है। लेकिन यहाँ का मुझे ये थोड़ा सा टायर प्लांटर हटाना है मुझे, और ये एरिया पूरा थोड़ा सा अलग सेटअप तैयार करना है, तो उसकी भी वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे अरविंद का कितने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं अभी पिछले साल के। यहाँ देखिए अभी मुझे ये रेन लिली को और दो पॉट में शिफ्ट करना है, अभी ये काम मेरा बचा हुआ है। और रजनीगंधा की रिपोर्टिंग मैं कर चुकी हूँ, उनके बल्ब को अलग अलग पॉट में लगा दिया है मैंने, ये बिल्कुल फ्री का पौधा मुझे मिला है। और जब पिछले साल मैं नर्सरी से पौधे ले आई थी, शायद उसी के साथ ये आ गया था, उन्हीं मिट्टी के साथ, तो ये बल्ब था कैलेडियम, लग रहा था ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। और देखिए मैंने इसको 3-4 बल्ब थे, एक ही पौधा था उसको मैंने गमले में लगाया था, और देखिए फिर बल्ब को मैंने इकट्ठा, कई बल्ब हो गए थे, फिर इस तरह से लगा दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 7-8 जगह ये निकल आया है कैलेडियम का। तो ये तो पौधा मुझे बिल्कुल फ्री का मिला था, और ग्रोथ भी देखिए कितनी अच्छी हो। मैं जितने भी बल्ब वाले पौधे हैं उनका ग्रोइंग पीरियड होता है, हम उनको रिपोर्ट करें, बल्ब को हम और अलग पॉट दे दें, तो इस तरह से
हम बल्ब वाले पौधों को भी अपने समर गार्डन में लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी कोकोपीट को धुल के मैं इस तरह से सुखा रही हूँ और उसके बाद एक ही बार मैं भर के इसको बोरी में रख दूँगी, जिससे बार बार मुझे इसे गीला ना करना पड़े। एक बार सूख जाएगा तो मैं इसको आसानी से यूज़ में ले सकती हूँ। तो ये भी काम है, क्योंकि कोकोपीट हम इंडोर प्लांट जितना भी लगाते हैं उनको मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें कोकोपीट ज़रूर ऐड करना चाहिए हमको, तो ये उसके लिए है। और बीज वगैरह जब हम लगाते हैं तो कोकोपीट में अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और देखिए, जो समर गार्डन की तैयारी है उसमें मैंने इस तरह के कई पौधे तैयार किए हैं स्पाइडर प्लांट के। ये देखिए, यहाँ पे कटिंग से थोड़े से ये और बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको और दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तैयार पौधे पे फ्लावर आने शुरू हो गए इस तरह से, ये देखिए। और एक कली बनी हुई है और ये दूसरा है, अब इस पे कल फ्लावर आएंगे। इसका पता नहीं, कली तो सेम ही दिख रही है, मुझे लग रहा है ये सभी पौधे एक ही कटिंग से तैयार हुए, एक ही पौधे की कटिंग तैयार हुई है। बाकी ये भी वही वाला है, सब एक ही तरह के निकल आए हैं। और प्लांट थे इस तरह से, फन है या डमकेन का पौधा है या सिंगोनियम है, उन सब में मैंने थोड़ा थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देके इस तरह से रख दिया है, क्योंकि अब इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है स्पाइडर प्लांट। और इस तरह से देखिए, पूरा हमको कर देना है जिससे ग्रोथ इनकी शुरू हो जाए, क्योंकि यही हमारे अब गार्डन को ग्रीनरी देने वाले हैं पूरा समर। और यहाँ देखिए, इस तरह से टर्टल वाइन को मैंने लगा दिया है। इस तरह से दो टब मैंने तैयार किया है और इसको कहीं भी किसी स्टैंड पे रख देंगे या किसी भी कोने पे कहीं रख देंगे तो ये पूरा उस एरिया को कवर करेगा, तो काफ़ी सुंदर दिखेगा। और यहाँ पे ये हिस्सा देखिए, पहले गिलार्डिया लगा हुआ था और पिटूनिया, तो पिटूनिया में अभी फ्लावर हो रहे हैं, इसको हटाने का मन नहीं हुआ, तो इस तरह से पिटूनिया मैंने रहने दिया और बाकी जितने भी यहाँ से गिलार्डिया के पौधे थे उसको हटा के, इतने गमले तो थे नहीं कि मैं उनको सब रखूं, तो बोरी में करके मैंने दो बोरी में सारे गमलों के पौधों को शिफ्ट कर दिया है। अभी मैं दिखाऊंगी उसको भी। और यहाँ पे देखिए, यही अब गार्डन में हमारे ज़्यादा अच्छा करते हैं कोचिया के प्लांट, तो इस तरह से जितने गिलार्डिया लगे हुए थे उन सभी पॉट पे मैंने कोचिया के पौधे लगा दिए हैं। और देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है इनकी, जितना पानी और धूप मिलेगा इनको ये उतनी ही ज़्यादा गार्डन में ग्रीनरी देंगे, तो ये लाइन पूरा इस तरह से कुछ तैयार होगा। और यहाँ पे बोरियों में देखिए कुछ इस तरह से सामने गिलार्डिया शिफ्ट किया है। और यहाँ भी देखिए एक स्टैंड पे ये भी कटिंग से तैयार है। और यहाँ देखिए ये मॉस रोज और एक पर्सलेन, इस तरह से चार हैंगिंग पॉट मैंने इसको तैयार कर दिया है। और वहाँ जो जितने भी गिलार्डिया को मैंने शिफ्ट किया है वो यहाँ कॉर्नर में इस तरह से बोरी में करके शिफ्ट कर दिया है, ये देखिए। तो यहाँ ये बना रहेगा इस तरह से, और पिटूनिया वगैरह धीरे धीरे अब चले जाएंगे हमारे गार्डन से। फ्रेंड्स, ये थी मेरे समर गार्डन की तैयारी जो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, और अप्रैल के पहले मार्च तक मैं इनको ख़त्म कर दूँगी। सब कुछ जो करना है मुझे अपने गार्डन में, वो सब पौधे लगाने हैं या सेट करना है, अलग अलग सेटअप बनाना है गार्डन का, वो सब कर दूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।